हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है एक हिस्टोरिकल प्लेस का, जो कि है परी महल। कश्मीर में है ये, काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और आपको पूरा डिटेल एक ओवरव्यू देंगे, जो कि कैसा है क्या है सब कुछ बताएंगे। यार मतलब बने रहें ब्लॉग के साथ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ अपने कॉमेंट्स, अपने सजेशंस जरूर शेयर कीजिए। एंड योर सपोर्ट इज मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमने की थी उबर, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी वहाँ के लिए कोई अच्छी सी है नहीं, ऑटो वाले काफी ज्यादा फेयर लेंगे। तो यार हमने जो उबर बुक की थी वो आ चुकी है, आप सामने देख लो ये आ रही है। इसको मैंने हाथ दे दिया है तो ये रुक जाएगा। परमीत भाई बहुत लेट कर आ गया यार, वो तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लगाया उसने आज, लेकिन चलो आ ही गया वो फिर भी। तो लेट्स सिट इन अवर कार एंड वी विल कंटिन्यू अवर व्लॉग। तो भाई यार अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं परिमहल की ओर। कैब वाले भैया ने हमें बता दिया उस जगह के बारे में, तो हम यहाँ से सीधा आपको लेके चलेंगे परिमहल के पास। सो स्टे ऑन द वीडियो एंड एंजॉय द टाइम लैप्स। तो यार कैब वाले भैया ने हमें बताया कि ये जो रोड है परिमहल के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर घूमते हैं, बाघ हो गया, भालू हो गया, हंगूल हो गया, तो उस वजह से टूरिस्ट को 8 बजे से पहले जाने की इजाज़त नहीं होती है, जब तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले चेक ना करें। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं परिमहल। आप ये देख सकते हैं ये है एंट्रेंस मेरे बैक साइड पे। तो अभी हम अंदर जाएंगे एंड वी विल लेट यू नो अबाउट द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस परी महल। ये है पार्किंग एरिया। दिस इज द टिकट काउंटर, यू कैन सी। तुम देख क्या जाओगे। तो दोस्तों यार ये है परी महल का एंट्रेंस। एंटर करते ही यार आपको जो नजारा दिखेगा ना, काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। आप मतलब ऐसा आपको सच में लगेगा कि किसी परियों के महल में आप आए हो, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है इस प्लेस का, जो ब्यूटी है, जो बीच में मतलब फ्लावर्स लगाए हैं इन्होंने, पेड़ पौधे लगाए हैं, मतलब पहले तो ऐसा नहीं होगा, पहले मेरे को लगता है इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। क्योंकि जब ह्यूमन इंटरवेंशन किसी जगह पे होती है तो वो नेचुरल सी बात है यार कि वो पहले से थोड़ी तो चेंजेस होती हैं, बट स्टिल जो यहाँ के डिपार्टमेंट, जो मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको मेंटेन किया ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। टूरिस्ट काफी ज्यादा यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि ऑफकोर्स ट्यूलिप गार्डन भी खुला है एंड मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा हो रखा है, तो यार काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हुए थे। अब देखो यार यार मैं आ रहा था अंदर और मेरे पीछे एक लड़की कहती कि मेरे को लगा ये परियों का महल है, तो आई वाज लाइक कि हाँ दीदी ये परियों का ही महल है, परियां अभी डल लेक में नहाने गई हुई हैं। और आप मेरे पीछे देखो टूरिस्ट फॉरेन से भी काफी ज्यादा यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यार अच्छी जगह है तो सबको ही पसंद है। तो यार इस जगह की खूबसूरती के बारे में क्या ही बयां करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। एक तो पहली बात यार मौसम इतना ज्यादा अच्छा था आज, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार एक तो बीच में बादल भी थे और फिर धूप भी निकल रही थी, और यहाँ पे टॉप पे आके ना मतलब यहाँ से सामने अगर आप देखो ये हरी पर्वत है। पहले हम यही सोच रहे थे जाने के लिए ये कोई पुराना एक फोर्ट है, तो नीचे आप डल झील देख सकते हैं, लेकिन फिर देखा कि ये क्लोज था तो इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं पाए। फ्रेंड्स फाइनली हमें लास्ट वीक जैसे हम ट्यूलिप गार्डन गए थे उससे तो बेटर जगह मिल गई है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार, मतलब आप अगर हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा आर्किटेक्चर है इस जगह का। और हिस्ट्री के बारे में यार इस जगह की पता नहीं है, तो आई विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन, एरिया इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो थकेंगे यार। तो अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, जो कि है यहाँ का लास्ट फ्लोर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लेवल्स में है जगह, पूरी लेवल्स में बनाई गई है। जैसे नीचे एक लेवल है, देन एक और लेवल, मतलब स्टेप्स वाइज आप समझ सकते हैं वैसे बनाया गया है। तो ये हम बिल्कुल ही अब टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, इसके बाद कुछ। तो भाई ये सबसे टॉप फ्लोर है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से व्यू दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये हम सबसे टॉप फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। लेट मी शो यू अराउंड यार, यहाँ पे कुछ दिखा यहाँ पर, कोई इन्फॉर्मेशन है इस जगह के बारे में, सो लेट मी जस्ट चेक, मैं देख। तो यार ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे बोर्ड लगा था, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं बताया था, जबकि ये पूरे परी महल के बारे में ही इन्होंने।
तो यार ये जो जगह है ये सबसे टॉप फ्लोर पे है, और ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ऐसे फायरप्लेस लग रही है। और जब मैंने अंदर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था इसमें, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ खास होगा, लाइक जेल होती है जैसे, या कोई मतलब कोई रूम होगा, बट अंदर कुछ भी नहीं था। तो आप भी देख लो यार, खाली है। और राइट साइड पे भी अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ या तो कोई इनका कोई स्पेशल रूम होगा या कुछ भी होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे कहीं भी अगर आप देखो तो किसी भी पर्टिकुलर एक कमरे के बारे में कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये ऊपर आप देखोगे यार, ये काफी स्ट्रेंज से ब्लैक मार्क्स थे, मुझे लगता है कि क्या पता यहाँ पर आग जलाई। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा था यार यहाँ पर, मतलब यही था पूरा परी महल, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ हम पूरे सबसे टॉप फ्लोर पे हैं। ये जो परी महल है ये कुछ स्टेप्स वाइज है, मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, एक स्टेप देन उसके ऊपर एक और स्टेप देन उसके ऊपर एक और स्टेप। और ये जबरवान हिल्स भी पुराने टाइम से बनाया गया था, तो मैं जाके इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करूँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप यहाँ पे श्रीनगर में हैं और अगर आप कुछ अच्छी जगह देखना चाहते हैं, मतलब जिससे कि कश्मीर की सीनिक ब्यूटी आपको बहुत अच्छे से दिखे, तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट कीजिए। इसी ट्यूलिप गार्डन भी है और चश्मे शाही भी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक अच्छी जगह का, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप तीनों जगह एक ही बार में कवर कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप डल लेक आ रहे हैं ना, तो आप ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि डल लेक में आप शिकारा राइड करेंगे एक उसके बाद आप आ जाइए ट्यूलिप गार्डन। और हाँ, ट्यूलिप गार्डन आने का फ़ायदा वही है मार्च से अप्रैल के बीच में, क्योंकि ट्यूलिप सभी ब्लूम करते हैं और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, आप आ सकते हैं ट्यूलिप गार्डन बिना ट्यूलिप्स के भी, बहुत अच्छा लगता है अगर आप जाना चाहते हैं, बट वो ओपन आई गेस नहीं होता है। तो हाँ, आप चश्मे शाही आ सकते हैं और परी महल आ सकते हैं। उसके साथ ही में यहाँ से अगर आप वो सामने वाले पहाड़ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर है निशात गार्डन और शालामार गार्डन, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, वो जगह भी काफ़ी सुंदर है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कश्मीर का फुल ईगल व्यू जिसे कहते हैं, लेट मी शो यू। तो भाई आप ये देख सकते हैं, ये कश्मीर के हम बिल्कुल, मतलब जो कश्मीर सिटी है डल लेक है उसके बिल्कुल टॉप पे हैं, और ये है डल लेक। आप मतलब जब टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ इतना सा आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो जब टूरिस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं, तो यूजुअली वो इसी पोर्शन में घूमते हैं, ये जो यहाँ पर है बस इसी पोर्शन को घूमते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे डल लेक कोई छोटी लेक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। अगर आप ये देखें कितना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है डल लेक ने, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस ये एरिया तो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं होता है, यहाँ पर शिकारा भी नहीं रन करते हैं, तो ये यहाँ तक इससे भी आगे फैला हुआ है। तो यार ये सेकेंड टॉप फ्लोर पर एक गार्डन था जिसके पैटर्न काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप भी देख लो। और सामने डल लेक का खूबसूरत नज़ारा, भाई यही इसीलिए इसको जन्नत कश्मीर कहा जाता है। भाई जन्नत अगर कहीं है तो वो है यही कश्मीर में ही है। काफ़ी अच्छा लगा यार। तो लास्ट वीक हम गए थे ट्यूलिप गार्डन, जो कि बहुत ही हमारा गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे ना वहाँ पे ऐसा था कि अभी ट्यूलिप्स ग्रो नहीं हुए थे। हाँ। उसके ओपनिंग वाले दिन ही हम चले गए थे। हाँ। और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन यहाँ पर जो यार मज़ा आया ना आज, लिटरली इट वाज अमेजिंग, क्योंकि यार जगह काफ़ी अच्छी है, एकदम पहाड़ पे जगह। थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें ना, हाँ, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा। जो बिल्ड करवाया गया था शाहजहां, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम पे इसको बिल्ड किया। अच्छा। गया था, शाहजहां बिल्ड करवाया था अपने सबसे बड़े बेटे के लिए। ओके। जिसका नाम था दारा शेख। अच्छा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल रहा है, अलग अलग इसमें। अच्छा, ये आप हिस्ट्री बाद में बता देना मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, एलैबोरेट हो जाएगी। बट ये यार काफ़ी अच्छा है ना, धूप निकल रही है जा रही है, और ऊपर से हाइट पे है तो क्लाउड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि यार मौसम का यहाँ पे ऐसा है कि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है यार यहाँ पे इस जगह पे, मतलब बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर चार चिनार भी दिख जाएंगे। चार चिनार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। और ये है सामने ताज होटल है यहाँ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड एक्स्ट्रावेगेंटली कॉस्टली भी है यहाँ पर। फ्रेंड्स मैं आपको ट्यूलिप गार्डन का एक व्यू दिखा देता हूँ। तो मेरे को जो लग रहा है यहाँ से देखकर, ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप्स आ चुके हैं। तो इफ़ यू वांट टू विजिट ट्यूलिप गार्डन, ये है गाइस ट्यूलिप गार्डन, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आई एम श्योर कि क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। और ट्यूलिप्स मेरे हिसाब से अभी ब्लूम हो चुके हैं। तो अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मौका मिला तो हम ट्यूलिप गार्डन भी जाएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट था।
एंड वी विल ट्राई टू कवर इट इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। अदरवाइज करमीर भाई को लग गई थी गर्मी और उन्होंने जैकेट अपनी उतार दी है यहाँ पर। ये देखो भाई, ये देखने वाली चीज़ है, इतने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इतना प्यारा, आपको लग रहा होगा ये पत्थर गिरने वाले हैं, पर एक्चुअली ना यार इतनी मुझे नहीं पता उस टाइम पे सीमेंट होता था या किस टाइप का सीमेंट से ये चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन जो भी है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप खुद सोच सकते हो मतलब 1640 से अगर ये चीज़ें बनी, उससे भी 1640 और 1645 में तो यहाँ पर हमारे दारा शेख जी रह चुके हैं। 16 आज तक इसका कुछ नहीं हुआ है, तो इससे हम खुद सोच सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती थी वो कितनी नेचुरल और किस तरीके से बनाई जाती थी कि आज तक वो जितने भी हमारे पुराने फोर्ट्स हैं अभी तक ज़िंदा है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा मछलियाँ। परमजीत भाई ने कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया जो कि जिसके बारे में मेरे को घंटा नहीं पता था कुछ भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये है शाही तालाब, यहाँ पर राजा आके नहाते थे सुबह सुबह। यहाँ पे ना उनकी जो हमारे दारा सिंह जी थे, दारा शेख जी, हाँ वो यहाँ पर लाइब्रेरी थी। यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी यहाँ पे भाई, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में, परमजीत भाई को कुछ नहीं पता। ये जो है, ये है शाही तालाब, इसमें तालाब है, तालाब यहाँ पे सुबह सुबह आके राजा नहाते थे, स्नान करते थे। स्नान स्थल है यहाँ पर, क्योंकि डल लेक उनको थोड़ी दूर पड़ जाती थी तो उन्होंने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना लिया था यहाँ पर। और भाई इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कुछ मछलियाँ भी हैं और वो कितनी लाइन से चल रही है ना, बिल्कुल एकदम सिमेट्री में चल रही है। ये भी राजाओं ने ही अपने टाइम पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी होंगी, और ये मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा जनरेशन पुरानी मछलियाँ मुझे लग रही हैं यहाँ पर ये। तो भाई भाई पुरानी जनरेशन थोड़ी, इतनी की लाइफ होती है कितनी है मछलियों की भाई। मछलियों का साइकिल प्रोसेस चलता रहता है, वो एग्स देंगी, उनके दोबारा आगे आएंगी, तो उस वजह से आप देख सकते हैं भाई बहुत कम है यार। दिखाता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर GPS टैग भी लगा हुआ है। कहाँ पे लगा भाई? अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊँ ये मछली, ये इधर जैसे कुछ, ये एक मछली है, इसके ऊपर GPS टैग लगा हुआ है, ये जो जा रही है, ये इसलिए ताकि इनको कोई यहाँ पर। तो यार परमजीत भाई पीछे डिलीवरी बॉय से बात कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई पार्सल आया था, तो जब तक ये बात करता है तो मैं आपको तो दिखाता हूँ एक 360 डिग्री व्यू कश्मीर का, डल लेक का। तो भाई हमारा आज का जो व्लॉग था इतना ही था। मैं और परमजीत भाई यहाँ से जंगल के रास्ते होते हुए थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे यहाँ पे, तो जंगल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। नहीं, नहीं यार, जंगल कौन जाएगा भाई, यहाँ तक तो जाएंगे। चलो। तो भाई ये काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है एरिया, कुछ कहते हैं यहाँ पर बाघ चीते। ओ भाई भाई मैं नहीं आता भाई, आप जाओ। और ये परमजीत भाई डर के वापस चले गए। मैं नहीं आता भाई। परमजीत भाई आओ यार, मैं नहीं आता। भाई थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, मैं बाघ के नाम से दूर भाग गया। आओ यार परमजीत भाई, हंगुल देखेंगे हम, डियर डियर देखेंगे, डियर। मैं डियर भी नहीं देखूंगा। ये परमजीत भाई यहाँ पर हमारे डर चुके हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना। तो भाई मीर आती हो तो काफी ज्यादा अच्छा एरिया है क्योंकि मस्त रश काफी है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे नीचे पार्किंग लॉट है यहाँ पर, गाड़ियाँ यहीं तक आएंगी। और तो यार हम पैदल चल रहे थे लेकिन यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिख गया जिसको देख के मेरे को भी अब डर लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स इन द एरिया, प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट लीव द मेन रोड ट्रैक्स। तो भाई ये परमजीत भाई जा रहा है, इसने बोर्ड नहीं पढ़ा। अगर इसने तो भाई मैंने बोर्ड पढ़ लिया, ये मेरे पीछे अगर आप देखोगे मेरे पीछे ये बोर्ड है, ये परमजीत भाई आगे आगे जा रहा है, इसने बोर्ड नहीं पढ़ा है। इसको मैं बताऊंगा भी नहीं, अगर इसको मैंने बता दिया तो ये डर जाएगा। तो इस तो यार एक और बोर्ड मुझे मिला, इस पे लिखा था दिस रोड इज यूज्ड बाय यू एंड आप समझ सकते हैं प्लीज अवॉइड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो यार परमजीत भाई डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर ऐसा, ये सिर्फ नॉर्मली एक एडवाइजरी होती है जो आपको हर जगह पे मिलती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। मिल्क फैक्ट्री है यहाँ पर। ये परमजीत भाई अभी भी फोन में लगा हुआ है, कुछ ऑर्डर कर रहा है यार। भाई हाँ भाई, भाई इधर कुछ है यार। ओ भाई क्या है यार, डरा दिया आपने यार, क्या है भाई, क्या दिख। तो यार मैं आपको बता दूं वहां पर हमें कुछ भी नहीं ऐसा दिखा था, परमजीत भाई को एक छोटा सा चूहा दिख गया था जिसकी वजह से वो डर गया और उसको लगा कि यहाँ पर बाघ आ गया और वो वहां से भाग गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था यार। सामने ये देखो, ये है परी महल का एंट्रेंस, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर यार। ऊपर से एक तो जो बादल है ना इसके ऊपर, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पे आप काफी ज्यादा सामान मिलता है, मतलब काफी छोटा मोटा सामान ही मिलेगा यहाँ पे। आपको कोई सुवेनियर्स लेने हैं, फ्रूट खाना है या कुछ चाट वगैरह खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, ज्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है। मैं बता दूं अगर आपको आना कैसे है, तो फाइनली अगर आप डल लेक के पास अगर आए हुए हैं, तो डल लेक से आपको
या तो स्मार्ट सिटी की जो बसेस हैं वो मिल जाएंगी, या उसके अलावा अगर आप पर्सनल आप प्राइवेट व्हीकल है आपके पास तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हायर कर सकते हैं, यहाँ पर ऊबर चलती है एंड आला कैब्स हैं, तो आप वो करके यहाँ तक आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्मार्ट सिटी बसेस से आते हैं तो आप जनरली अगर आप आ रहे हैं स्मार्ट सिटी बसेस से तो आप आए ट्यूलिप गार्डन तक, ट्यूलिप गार्डन से आपको वहां से रिक्शा करना पड़ेगा या कोई और पर्सन कोई प्राइवेट व्हीकल करना पड़ेगा और उससे सीधा यहां तक आ सकते हैं। टिकट जो है यहां की रहने वाली है अराउंड 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड छोटे बच्चों के लिए 12 रुपये। तो फ्रेंड्स यार यही था कुछ ट्यूलिप गार्डन का व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।